ओम शांति। हम एडवांस पार्टी जो यहां से बाबा के बच्चे ज्ञान लेकर एडवांस पार्टी में गए हैं उनके बारे में बाबा हमें समय समय पर राज खोलते रहते हैं। आज जो राज खोल रहे हैं बाबा, योग बल से जन्म देने के निमित्त, योग बल से बच्चे जन्म लेंगे, उनको जन्म देने के निमित्त कौन बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्या बताना चाहते हैं देखते हैं। 3 अप्रैल 1997 की ये मुरली है। कल की बात सुनाते हैं बाबा, कल की बात सुना रहे हैं आज 3 अप्रैल 1997 को। कल वतन में एडवांस पार्टी इमर्ज हुई थी, एडवांस पार्टी को बाबा ने ऊपर इमर्ज किया। बाप दादा से रूह रियान कर रहे थे और बाप दादा से पूछ रहे थे कि हम जिस सेवा के अर्थ निमित्त बनाकर भेजा है वो सेवा कब शुरू होगी। बाप दादा ने क्या जवाब दिया, आत्माएं, बताओ क्या जवाब दिया होगा बाबा। हमसे पूछ रहा, जवाब खुद देना, हम क्या बतावे भाई। वे बार बार यही कह रहे थे कि हम एडवांस पार्टी में तो जन्म दिलाया है, वो विशेष कार्य के लिए दिलाया है और मेजोरिटी अच्छे ते अच्छे योगी तु ज्ञानी तु आत्माएं महावीर भी बहुत एडवांस पार्टी में गए हैं और जो दूसरे साथ में गए हैं उन्होंने भी मेजोरिटी ऐसी आत्माएं गई हैं जो स्नेह और गुप्त योगी हैं, क्योंकि निर्विकारी संतान को जन्म देने ना सारे वो गए हैं, मिक्स तो सब में होते हैं ना, लेकिन आपके हिसाब से जिसको महारथी नहीं कहे मेजोरिटी साधारण कहते हो वो भी स्नेह के कारण योग में अच्छे पावरफुल रहे हैं और विशेष योग की सब्जेक्ट में आगे रहने वाली ऐसी आत्माएं योग बल से जन्म देने के निमित्त नई सृष्टि की स्थापना करें। मतलब जो बच्चे गए हैं उनकी विशेषता पहली पहली ये है कि वो योग बल वाले बच्चे गए, क्योंकि नई पवित्र सृष्टि की स्थापना करने के लिए वो आत्माएं चाहिए जो पवित्रता वाली हो, योग बल वाली हो। जो महारथी भी गए हैं दुनिया में सबको लगते होंगे कि ये साधारण है, परंतु वो अंदर ही अंदर योग बल वाली योगी आत्माएं थी, वो उसमें गई हैं, क्योंकि योग बल से जन्म देने के निमित्त बन नई सृष्टि की स्थापना करेंगे। वही जा सकती थी, सब इसमें नहीं जा सकती एडवांस पार्टी में। तो वे पूछ रहे थे कि कब हमारी सेवा शुरू होगी। इसमें भी कुछ आत्माओं का जो गई हैं अलग पार्ट भी है, ये नहीं कि सिर्फ जाकर के वहां पवित्र बच्चे ही जन्म देने हैं, और भी तो काम है ना एडवांस पार्टी के, तो बहुत सारे काम है ना, सिर्फ बच्चों को जन्म देने का काम नहीं है, सभी का एक जैसा नहीं है, लेकिन मेजोरिटी का नई सृष्टि के स्थापना का पार्ट बना हुआ है। तो रूर यहां चल रही थी, बाप दादा ने तो मुस्कुराते हुए उन्होंने को दूसरी दूसरी बातों में बिजी कर दिया, क्योंकि कर्म का रेस्पॉन्ड बाप दादा को अकेला नहीं करना है, कर्म का रेस्पॉन्ड तो आपने करना है ना। जब आप कहेंगे एवर रेडी तब उनकी सेवा आरंभ होगी, तब उनकी सेवा आरंभ होगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।